आगे बढ़ेंगे। आपको बताएं कि शारजा, अबू धाबी, रासुल खैमा जाने वाले मुसाफिरों के लिए अच्छी खबर है। मुसाफिरों को 48 घंटे पहले कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट से इस्तस्ना दे दिया गया है। क्या हिदायत जारी की गई हैं, जान लेते हैं सईद अहमद सईद से। जी सईद। जी बिल्कुल आयशा, यूएई जाने वाले मुसाफिरों के लिए एक अच्छी खबर है वो सामने आ चुकी है। यूएई हुकाम ने मुसाफिरों के लिए नई ट्रैवल एडवाइजरी है वो जारी की, जिसके मुताबिक मुसाफिरों को जो है वो रैपिड पीसीआर टेस्ट के बाद 48 घंटे पहले कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट से भी इस्तिस्ना है वो दे दिया गया है। और मुकम्मल कोरोना वैक्सीन लगवाने वाले मुसाफिरों को शारजा, दुबई, अबूधाबी दाखिले के लिए कोरोना टेस्ट की शर्त है वो खत्म कर दी गई है। अब कोरोना वैक्सीन ना लगवाने वाले जो मुसाफिर होंगे उनको 48 घंटे कबल नेगेटिव कोरोना रिपोर्ट दिखाना ही लाजमी होगा। बाकी वो तमाम मुसाफिर जिनके पास कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट होगा वो तो बराह रास्त से वो सफर कर सकेंगे। और लाहौर समेत मुल्क भर से वैक्सीन के काम में मुसाफिर है वो बगैर टैक्स यूएई जा सकेंगे। मुसाफिरों को कोरोना वैक्सीन रिपोर्ट कार्ड दिखाना है वो लाजमी करार दिया गया है। और ये भी हिदायत की गई है कि लाहौर समेत मुल्क भर से जाने वाले मुसाफिर जो है वो यूएई के जाने से कबल कोरोना वैक्सीन रिपोर्ट कार्ड दिखाकर सफर कर सकेंगे। ठीक है सईद अहमद, बहुत शुक्रिया।